Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 9. And name of this chapter is how many times. It is first part of this chapter. How many times? How many times ka matlab hota hai kitne bar. So basically a chapter multiplication se related hai. Isme repeated addition आपको करना है और रिपीटेड एडिशन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को हाउ मैनी टाइम्स. सो फर्स्ट टॉपिक है लेगी एनिमल्स. देयर आर फाइव गोट्स. हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल फाइव गोट्स हैं यहाँ पर, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने लेग्स हैं सब मिलाकर. तो आप देखेंगे कि हर एक गोट के कितने लेग्स हैं, फोर लेग्स हैं. सो आपको फोर को और नंबर ऑफ गोट्स कितने हैं, फाइव. तो फोर को आपको फाइव टाइम्स ऐड करना पड़ेगा. तो ये रिपीटेड एडिशन हुआ ना. फोर को कितने बार आपको ऐड करना है, फाइव टाइम्स. सो फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर. जब फोर को फाइव टाइम्स आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वेंटी. या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाइव टाइम्स फोर. सो फाइव टाइम फोर इस क्या हो गया, ट्वेंटी. तो टाइम्स को हम लिख लेते हैं एक इस सिंबल से, जो कि ये वाला जो सिंबल है आपका, ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन का सिंबल. तो इसे आप इस यूज़ करेंगे टाइम्स के प्लेस पे. तो फाइव इंटू प्लेस और इज मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू. तो फाइव इंटू फोर इक्वल ट्वेंटी आ जाएगा. सो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन. तो क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मैनी स्पाइडर्स. तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने स्पाइडर्स हैं. तो आप काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री. सो देयर आर थ्री स्पाइडर्स. तो यहाँ हम लिखेंगे थ्री. अब आपसे पूछ रहा है, वन स्पाइडर हैज़ डैश लेग. एक स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, तो आप काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन स्पाइडर के एट लेग्स होते हैं. सो यहाँ हम एट लिखेंगे. इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर थ्री टाइम्स. तब यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पाइडर वन नहीं है, थ्री स्पाइडर हैं. तो स्पाइडर के लेग्स भी थ्री टाइम्स होंगे. दैट मीन्स कि हमें एट को थ्री टाइम्स ऐड करना पड़ेगा. एट प्लस एट प्लस एट. एट को थ्री टाइम्स जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्वेंटी फोर. या फिर हम इसे लिख सकते हैं, थ्री टाइम्स एट इज ट्वेंटी फोर. तो टाइम्स की प्लेस पे क्या हमें लगाना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन. तो थ्री इंटू एट इक्वल टू ट्वेंटी फोर. नेक्स्ट आप देखेंगे, डू यू नो दिस लेगी फेलो. आप इस लेगी एनिमल्स के बारे में जानते हैं. दिस इज एन ऑक्टोपस. इट लिव्स इन द सी. इट आल्सो हैज़ एट लेग्स. यह ऑक्टोपस है और यह समुद्र में रहता है और इसके भी एट लेग्स होते हैं. सो हाउ मैनी लेग्स ऑल टूगेदर डू फाइव ऑक्टोपस हैव. तो आपको ये बताना है कि फाइव ऑक्टोपस के टोटल कितने लेग्स होंगे. तो हमें एट को कितने बार ऐड करना पड़ेगा, फाइव टाइम्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे हम सॉल्व कर लेंगे. सो चलिए हम एट को फाइव टाइम्स ऐड करते हैं. एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट. फाइव टाइम्स एट कितना हो गया, फोर्टी. या फिर इसे आप लिख सकते हो, फाइव टाइम्स एट इक्वल फोर्टी. या फिर हम इसे लिख टाइम्स की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे. तो फाइव मल्टीप्लाइड बाय एट कितना हो जाएगा आपका, फोर्टी हो जाएगा. है ना. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग. अब आपको बिना काउंट किए हुए नंबर को फाइंड करना है. सो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी फ्लावर्स इन अ बेड. फ्लावर बेड. तो फ्लावर बेड में कितने फ्लावर्स हैं. सो इसे करते कैसे हैं, पहले ये देखना है हमें. तो देखिए, इट हैज़ फोर कॉलम. ये जो ये लाइन्स होती हैं, और इस तरह हम जब लाइन को काउंट करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं.
कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं। अब हमें ये देखना है कि हर कॉलम में कितने फ्लावर्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईच कॉलम है 6 फ्लावर, हर कॉलम में 6 फ्लावर हैं। सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 4 times 6 फ्लावर। 6 फ्लावर को हम कितने टाइम्स ऐड कर देंगे, 4 times ऐड कर देंगे, 6 plus 6 plus 6 plus 6 तो ये आ जाएगा 24, या फिर हम 4 multiplied by 6 जो जितने 6 लिखेंगे और 6 कितने टाइम्स है, 4 times है, तो 4 multiplied by 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से बता, लेट्स ट्राई अनदर वे। अब दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं कि द फ्लावर बेड हैज़ 6 रोज़। अब ये इस तरह से जब हम लाइन को काउंट करते हैं तो ये रोज़ कहलाते हैं। तब इसमें कितने रोज़ हो गए हैं, ज़रा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज़ हो गए हैं। ईच रो हैज़ 4 फ्लावर्स और हर रो में 1, 2, 3, 4 फ्लावर्स हैं, तो ऑल टुगेदर द बेड है 6 times 4 फ्लावर। अब यहाँ 4 फ्लावर कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो 4 को हम 6 टाइम्स मल्टी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते, पहले हम 4 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई का साइन उसके सामने लगाएंगे और ये देखना है कि 4 कितने टाइम्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है, तो 6 multiplied by 4 कितना हो गया आपका, 24। So the next question is, in the same way, how many bottles are these? तो उसी तरह से आपको ये बताना है कि इसमें कितने bottles हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बताएंगे, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें कितने, हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 है, तो रोज़ हम कॉलम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 तो इस तरह से करेंगे तो ये क्या होगा, 4 रोज़ हो गया इस पर, तो ये हम लिखेंगे 4 times। अब वन रो में कितने बॉटल है ये देख लीजिए आप, तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉटल है, ठीक है ना, कितने बॉटल्स हैं, 5 बॉटल्स हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 times 5, हर रो में 5 बॉटल्स है, तो लिखेंगे 4 times 5 बॉटल्स, तो कितना हो जाएगा 4 times 5, अब जब आप ऐड करेंगे 4, 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 बॉटल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी एग्स, अब आपको बताना है कितने एग्स हैं। तो आपको क्या करना है, पहले रो कॉल काउंट कर लीजिए, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज़ हैं, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 6 times और हर रो में कितने एग हैं ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 एग हैं, तो 6, 5 जा कितने एग्स हो जाएंगे, 6, 5 जा 30, तो 30 एग्स हो जाएंगे। नाउ यू हैव अ प्रैक्टिस टाइम, क्वेश्चन नंबर 5A, री राइट यूजिंग प्लस साइन। अब यहाँ पर प्लस साइन यूज़ करके फिर से लिखना है, तो देखिए 2 into 5 इज 2 into 5, या 2 multiplied 5 को हम पढ़ते 2 times 5, तो 2 times 5 है, दैट मीन्स 5 को कितने बार ऐड करना है, 5 plus 5, तो 4 times 18, इसे हम लिखेंगे 4 times 18 और इसे हम क्या करेंगे, 18 को 4 times ऐड करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है 3 into 20, 3 into 20 दैट मीन्स कि 3 times 20, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे 20, अब फिर 20 को हम 3 times ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका रीराइट। अब नेक्स्ट है 8 multiplied by 9, इसका क्या मतलब है कि 8 times 9, दैट मीन्स 9 को हमें 8 times ऐड करना है, 9 इस तरह से आप लिखेंगे, 9 को 8 times, तो आपका 9 8 times हो गया। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल हाउ मैनी टाइम्स, अब आपको बताना है कि कितने बार, तो पहले जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इसे सॉल्व करके, 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 कितने टाइम्स है, 9 काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
जिसे हमने लिखा 6 × 9, 6 × 9। तो 6 × 9 जा कितना होता है 54, या 9 × 6 जा 54। अब 4 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 × 4, दैट मीन्स 5 × 4, 5 × 4 = 20, या 4 × 5 = 20, इस तरह से लिख लिया। अब बाकी को भी आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 8 + 8 + 8 कितने बार है यहाँ पर आप देखेंगे, तो 8 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 3 times है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 3 × 8 = आपको अगर 3 का टेबल आता है तो 3 × 8 = कितना होता है, 24, या 8 × 3 = 24, दोनों ही एक ही आएंगे। और फिर नेक्स्ट है 3 आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 times है, 5 times है, दैट मीन्स 5 times क्या हो गया, मल्टीप्लाइड मीन्स टाइम, 5 × 3। तो 5 × 3 क्या होगा, 3 × 5 = 15, या 5 × 3 = 15। नेक्स्ट आप देखिए 30 + 30 + 30, दैट मीन्स कि 30 कितने बार है, 3 times है, तो 3 × 30 लिखेंगे यहाँ पर, 3 × 30, तो 33 = कितना होता है, 33 = 90। 30 का टेबल नहीं आता है तो 3 × 3 = 9, और आप उसके पीछे 0 लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 7, 7 कितने टाइम्स ऐड हुआ है ये आपको देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, 6 times क्या है, 7 है, 6 × 7, तो 6 × 7 = 42, या 7 × 6 = 42, आपको टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 4 × 12 है, ठीक है ना, 12 कितने बार है, 1, 2, 3, 4 times है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 4 लिखेंगे, 4 times मीन्स 4 × 12, तो 12 का टेबल अगर आता है तो 12 × 4 = 48। नेक्स्ट है 6 + 6 + 6, दैट मीन्स 6 कितनी बार है, 3 times है, और 3 times क्या है, 6 है, तो यहाँ 3 × 6, तो 3 × 6 = 18, या 8 × 6 = 18। अब नेक्स्ट आप देखिए 1, 2, 3, 4, 4 times है आपका 10, तो हम यहाँ पर 4 times लिख देंगे, क्या लिखेंगे 4 times 10, तो ये आ जाएगा 10 × 4 = 40। नेक्स्ट आप देखिए 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 times है आपका 2, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर 5 times है क्या, तो 5 times आपका 2 है, तो 5 × 2 = या 2 × 5 = कितना हो जाएगा, 10। अब 6 काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 कितने टाइम्स है, 7 times, तो यहाँ 7 लिखेंगे, इसके बाद 6 है 7 times, तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 7 × 6 = या 6 × 7 = दोनों ही होता है 42। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामू बॉट 4 packets ऑफ बिस्किट्स, रामू ने बिस्किट्स के 4 packets खरीदे, ईच पैकेट्स हैज 4 biscuits, हर पैकेट में 4 biscuits हैं, तो आपको बताना है हाउ मैनी बिस्किट डिड रामू बाय, तो रामू ने कितने बिस्किट्स खरीदे, तो यहाँ पर आपको देखना है कि रामू ने बिस्किट के कितने पैकेट खरीदे, 4 packets खरीदे, और हर पैकेट में कितने बिस्किट हैं, 4 biscuits हैं, तो आपको 4 × 4 करना होगा, और 4 × 4 = क्या होता है, 16, दैट मीन्स कि रामू ने 16 biscuits खरीदे, तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हो, आंसर रामू, यहाँ डिड है तो बाय का सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो आप लिख सकते हैं रामू बॉट 16 biscuits, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देयर आर 12 desks इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 12 desks हैं, ईच डेस्क हैज 4 legs, अब हर डेस्क के कितने लेग्स हैं, 4 legs हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क, तो आपको बताना है कि डेस्क के टोटल नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किसको रिपीट करना है,
कितने टाइम्स रिपीट किया गया ये हमें देखना है। तो रिपीट किया गया है 12 टाइम्स, क्योंकि 12 डेक्स हैं। तो हम यहाँ पहले 12 लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब डेस्क कितनी है, 12 डेक्स हैं, और हर डेक्स के कितने लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं। तो 12 इंटू 4 हो गया। अब 12 फोर जा, या 4 का 12 में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 फोर जा 8 और 4 वन जा 4, तो ये आएगा आपका 48। 12 फोर जा 48, तो आप आंसर लिख सकते हैं देयर आर टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेक्स आर 48। ये आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहीं पर आप साइड में लिख दी, इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट है आपका, सबीहा ब्रॉट होम 3 बंचेज ऑफ फ्लावर। सबीहा होम में फ्लावर के 3 बंचेस लेकर आई। ईच बंच हैज़ 4 फ्लावर्स, हाउ मैनी फ्लावर्स वर देयर। अब उसने कितने बंचेस लाए हैं पहले वो आपको लिखना है। तो उसने 3 बंचेस लाए हैं। अब हर बंच में कितने फ्लावर हैं, तो 4 फ्लावर हैं, तो 3 × 4 हो जाएगा, और 3 × 4 जा, या 4 × 3 जा, क्या होता है 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, 1 रेल कोच हैज़ 8 व्हील्स। एक रेल कोच में 8 व्हील्स हैं। हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल 6 कोचेस। तो 6 कोचेस में कितनी व्हील होंगी। तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि नंबर ऑफ कोचेस कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 6, और हर कोच में कितने व्हील हैं, तो 8 व्हील हैं। तो 6 × 8, तो आपको टेबल अगर 6 का पता है या 8 का पता है, तो 8 × 6 = 48 एंड 6 × 8 = 48। तो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं ये वाले। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी टाइम्स 2। 2 कितने बार हैं। यहाँ पर आप देखिए 1, 2 टाइम्स, ठीक है ना, 1, 2, 2, 1 टाइम्स है, फिर 1, 2, 1, 2, 2 टाइम्स है, फिर यहाँ आप देखिए 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर आप लिख सकते 2 × 1, यहाँ 1 × 2, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। फिर यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 × 2। फिर यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 × 2। 2 4 टाइम्स है, तो 4 × 2। इस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। 1 × 2 क्या हो गया, ये आपका 2। नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए तो कितने टाइम्स है, 2, 2 टाइम्स है, तो 2 × 2। यहाँ पर आप देखें 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 × 2। यहाँ पर आप देखिए 2 4 टाइम्स है, तो 4 × 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 5 टाइम्स है, तो 5 × 2। यहाँ पर देखेंगे 2 आपका 6 टाइम्स है, तो 6 × 2। यहाँ पर 2 7 टाइम्स है, तो 7 × 2। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। यहाँ पर आप देखिए 8 टाइम्स है, तो 8 × 2। यहाँ पर 2 है 9 टाइम्स, तो 9 × 2। यहाँ पर 2 है 10 टाइम्स, तो 10 × 2। इस तरह से हमने लिख लिया। अब यही यहाँ पर लिखा 1 × 2 = 2, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 1 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर 2 × 2 = 2 मीन्स आप काउंट कर लीजिए कितना है 2 × 2, 1, 2, 3, 4 है ना, तो 2 × 2 = 4, या 2 × 2 = 4। 3 × 2 आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 × 2 कितना हो गया 6, या फिर 3 × 2 = 6। 4 × 2, अब 4 × 2 कितना है आप इसे काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 × 2 कितना हो गया आपका, 4 × 2 हो गया आपका, यहाँ पर हम लिखेंगे 8, और 4 × 2 = 8, या 4 × 2, 4 × 2 = 8। 5 × 2 कितना है काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10, तो या फिर 5 × 2 = 10। नेक्स्ट 6 × 2, 6 × 2 मीन्स आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए, या फिर 6 × 2 = 12।
फिर आपका यहाँ पे 7 टाइम्स आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। और यहाँ पर भी सब जगह क्या लिखना है, टू। अब इस तरह से 7 टाइम्स 2 आप काउंट करेंगे तो 14 होगा। तो यहाँ पर 7 2 जा 14। इसी तरह से 8 टाइम्स 2 आप काउंट करके देखेंगे, 8 16 आएगा, 8 2 जा 16 आप काउंट करके चेक कर लीजिएगा। 9 टाइम्स 2 आपका आएगा 18, 9 2 जा 18, 10 टाइम्स 2 आएगा आपका 20, 10 2 जा 20। तो ये हो गया आपका, ये टेबल कंप्लीट हो गया है ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जंप विथ मी, मेरे साथ जंप करो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तारू फ्रॉग है जो 3 स्टेप हर बार में जंप करता है, तो विच नंबर्स विल तारू टच। तो आपको बताना है कि तारू कौन कौन से नंबर को टच करेगा। तो तारू 3 स्टेप जंप करता है, तो देखिए 0 से जंप करना स्टार्ट किया तो 3 पे आया, फिर 6, फिर 9, देन 9 के बाद 12, 12 के बाद कहाँ पे आएगा 15, देन 18। तो 3 स्टेप मीन्स बीच में 2 स्किप कर रहा है वो, तो 2 स्किप करके 21, फिर 22, 23 स्किप करेगा 24 पे पहुँचेगा, फिर 25, 26 स्किप करेगा 27 पे पहुँचेगा, 28, 29 स्किप करेगा 30 पे पहुँचेगा, 31, 32 स्किप करके वो 33 पे पहुँचेगा, 34, 35 स्किप करके 36 पे पहुँचेगा, 37 और 38 स्किप करेगा और 39 पे पहुँचेगा, 40, 41 स्किप करने के बाद 42 पे पहुँचेगा, 42 पे पहुँचेगा, 43, 44 स्किप करने के बाद 45, 47, 46, 47 स्किप करेगा और 48 पे पहुंचेगा, 49, 50 स्किप करने के बाद 51 पे, 52, 53 स्किप करने के बाद 54 पे। तब यहाँ पर आपका ये टेबल बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 × 3, जब 1 टाइम किया है वह जंप तो 1 × 3 तो कितना आ गया है, 3 आ गया है। सेकेंड टाइम वो जब जंप किया है 3 तो कितना आया है, ज़रा देखिए आप, 6 आ गया है। थर्ड टाइम जंप करने के में कहाँ पे पहुँचा है वो, 9 पे। फोर्थ टाइम जंप किया है तो देखिए 12 पे पहुँचा है। तो इस तरह से आप लिखते भी जाइए। 5 टाइम्स जंप करने के बाद कहाँ पहुँचा है, 15 पे। 6 टाइम जंप किया है तो कहाँ पहुँचा है, 18 पे। इस तरह से आपको लिखते भी जाना है। 7 टाइम्स जंप करने पर कहाँ पहुँचा है, 21 पर। जब उसने 8 टाइम्स जंप किया है तो देखिए 8 टाइम्स जंप में कहाँ पहुँचा है, 24 पर। तो यहाँ हम 24 लिखेंगे। 9 टाइम्स जंप करा है तो कहाँ पहुँचा है, आप यहाँ पर देखिए 27 पर। तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे। 10 टाइम्स जंप करने पर पहुँचा है 30, तो यहाँ हम लिखेंगे 30। 11 टाइम्स जंप करने पे पहुँचा है 33, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 33। 12 टाइम्स जंप किया तो कहाँ पहुँचा, 36 पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 36। 13 टाइम जंप करने पर वह पहुँचा है आपका, यहाँ पर देखिए 36 के बाद 39 पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39। 14 टाइम्स जंप करने के बाद पहुँचा है 42 पर, तो यहाँ आएगा 42। एंड 15 टाइम्स जंप करने पर वह पहुंचा है आपका 45 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। उसने आगे और भी जंप किए हैं पर यहाँ पर इतना ही लिखा है, जिसे हम इतना ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जो जंप है वो 4 स्टेप्स में बताने हैं। तो जंप को 4 स्टेप में बताने हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए 4 स्टेप में तो 3 हमें स्किप करेंगे, बीच में 3 नंबर्स को स्किप करेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे। 4 आएगा फर्स्ट जंप में, सेकंड जंप में, तो हम लिखते भी जाएंगे, पहले हम इसको जंप करा देते हैं फिर लिखेंगे। सेकंड जंप में कहाँ पे पहुँच गया, 8 में, और 9। थर्ड जंप पे कहाँ पहुँचेगा, 12 में, बीच में 1 2 3 नंबर स्किप करना, 1 2 3 स्किप कर दिए,
नेक्स्ट कहाँ पहुँच गया, 16 में 1 2 3 आपने स्किप किया बीच के थ्री नंबर्स, 20 पे पहुँच गया, फिर 21 22 23 थ्री नंबर स्किप करेंगे 24 पे पहुँचेगा, इसके बाद 25 26 27 स्किप करेंगे, नेक्स्ट जंप में वो पहुँच जाएगा 28 पर, 29 30 31 स्किप करके नेक्स्ट जंप पे वो पहुँचेगा 32 पर, 33 34 35 स्किप करिए नेक्स्ट जंप पे वो पहुँच जाएगा 36 पर, इसी तरह से नेक्स्ट जंप पे वो कहाँ पहुँचेगा 40 पर, इसी तरह से आप थ्री नंबर स्किप करते जाइए 44, नेक्स्ट जंप होगा उसका 48, नेक्स्ट जंप थ्री नंबर फिर स्किप करिए तो ये पहुँचेगा 52 पर, फिर 1 2 3 स्किप करने पर 56, फिर 57 58 59 स्किप करिए 60 61 62 63 स्किप करने के बाद ये पहुँच गया 64 पर। इस तरह से हमने इसे 4 स्टेप जंप करा दिए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, सो आप लिखिए फर्स्ट जंप में वो कितना पहुँचा हुआ है ये आपको देखना है। तो फर्स्ट जंप में वो पहुंचा हुआ है 4 पे, तो 1 4 जा 4, फिर सेकेंड जंप में पहुंचा है 8 पर, तो 2 4 जा 8, थर्ड जंप में वो पहुंचा है 12 पर, तो 3 4 जा 12, फिर फोर्थ जंप में आप देखिए 16 पर है, तो 4 4 जा 16, फिफ्थ जंप में आप देखेंगे तो 20 पर है, तो 5 4 जा 20, सिक्स्थ जंप आप देखेंगे तो 24 पर है, तो 6 4 जा 24, सेवन्थ जंप आप देखिए 28 पर है, तो 7 4 जा 28, फिर इसके बाद आप देखेंगे एट्थ जंप में वह 32 पर है, तो 8 4 जा 32, नाइन्थ जंप में वह 36 पर है, तो 9 4 जा 36, फिर टेंथ जंप में वह कहाँ पर है 40 पर है, तो 10 4 जा 40, फिर 11th जंप में आप देखिए 44 पर है, तो 11 4 जा 44, 12th जंप में 48 पर है, 12 4 जा 48, 13th जंप में 52 पर है, 13 4 जा 52, 14th जंप में वह कहाँ पर है 56 पे है, तो 14 4 जा 56, और 15th जंप में वह 60 पर है, तो 15 4 जा 60। इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। सो आप जितना आज कराया गया है उसे अच्छी तरह से कर लीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।